खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले से है, जहां महीनों से राशन कार्ड के लिए ज़िला पूर्ति विभाग के चक्कर काट रही महिला को न्याय नहीं मिल सका। महिला का आरोप है कि वह महीनों से सप्लाई ऑफिस के चक्कर लगा रही है। उसके राशन कार्ड का सत्यापन हो चुका है, राशन कार्ड स्वीकृत भी हो चुका है, बावजूद उसके वहाँ के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते महिला को राशन कार्ड नहीं मिल सका। जब महिला विभाग के चक्कर काट कर थक गई तो उसने ज़िलाधिकारी कार्यालय पहुँच कर शिकायती पत्र सौंपा और मांग किए कि उसकी राशन कार्ड की समस्या को दूर किया जाए। आए दिन सप्लाई ऑफिस द्वारा इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत निकलकर सामने आती रहती है। जी मनमीत कौर। मनमीत जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर सखैयापुरा की। अब जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या है मामला? सर जी हमारा देखिए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करी थी हमने, तो सत्यापन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, जाँच हो गई है, उसके बावजूद ये लोग चक्कर कटवा रहे हैं कि आज हो जाएगा कल हो जाएगा। हम अभी फ़ोन कर रहे हैं तब फ़ोन कर रहे हैं, पता नहीं क्यों सर मेरा कागज़ किसी प्रकार का रोक रखा है, इसलिए हम यहाँ साहब से अपील लगाने आए हैं कि जल्द से जल्द हमारा कार्य पूरा। कहाँ पे आई हैं? ये डीएम ऑफिस है जी, डीएम कार्यालय। कहाँ किस विभाग का चक्कर काट रही थी? सर राशन कार्ड सप्लाई ऑफिस के। कितने दिनों से काट रही थी? करीब सर हो गए 10-15 दिन हो गए, वैसे तो दिसंबर। क्या चाहती हैं? सर ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा कार्य सुनवाई हो सर, हमारा राशन कार्ड बने। आप जब जाती हैं तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है ठीक है मैडम जाइए, हम अभी फ़ोन करके अभी देख ले रहे हैं, हम अभी लॉक करवा ले रहे हैं, आपका सेफ लॉक नहीं है, आपका ये नहीं है वो नहीं, हम अभी फ़ोन कर रहे हैं, इसी वजह से सर परेशान है थोड़ा सा।